do this letter to me first so that still people can go back. ये आपका लेटर आप मुझे दे रहे हैं कि आपने इस कार्यक्रम में सब आगे होना। भारताचे पंतप्रधान यांनी स्वच्छ भारत हा मोहीम आणि कार्यक्रम सुरू केला। त्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत मुंबईला स्वच्छ ठेवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने याला मोहीमचे स्वरूप दिले। या मोहीमचे स्वरूप देत असताना मुंबई महानगरपालिकेने 5-6 मोठे गोष्टीवर भर टाकला आणि त्याला मोहीम या साधारणता या प्रकारे त्याला पुढे घेतलं। विशेषतः नागरी जे सागरी किनारा आहे त्याची स्वच्छता ठेवणे, जे उघडे व डम्प्स आहे जिथे आपण कचरा टाकतात लोक त्याला स्वच्छ ठेवणे, मुंबई स्वच्छ ठेवणे आणि शौचालय जे आहे सार्वजनिक शौचालय आहे त्याला स्वच्छ ठेवण्याचा कार्यक्रम मुंबई महानगरपालिकेने आधी घेतला। हा कार्यक्रम करत असताना या कार्यक्रमाचा सर्व मोठा भाग जे आहे उघड्यावर जे शौचला बसतात ओपन डेफिकेशन, आणि आपल्याला आज मी सांगू इच्छितो की मेगा सिटीजमध्ये ज्याला आपण म्हणतो मिलियन प्लस सिटीज, जगातली जेवढे मिलियन प्लस सिटीज आहे पहिल्यांदा कोणताही शहर ODF म्हणजे ओपन डेफिकेशन फ्री बाहेर उघड्यावर बसण्यापासून मुक्तीसाठी मुंबई शहर हा पहिला शहर आहे ज्यांनी हा मोहीम स्वीकारली आहे आणि हा आव्हान स्वीकारून याच्यामध्ये पुढे जात आहे। दिस विल बी दी फर्स्ट सिटी दॅट विल बी टेकिंग अप अ मिलियन प्लस सिटी विच इज टेकिंग अप ODF। हा करत असताना महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये 1.25 कोटी लोक जे राहतात 1.25 कोटी नागरिक त्यांना सेवा देणारे 30,000 महानगरपालिकेचे कर्मचारी जे सफाईबाबत बघतात, आणि आपल्या माहितीसाठी जवळजवळ दररोज 1,001 ट्रक मधून कचरा आणि इतर आपण वाहतूक करतो। हा काम जरी महानगरपालिकेचे कर्मचारी करतात पण त्यांना आता मदत करण्यासाठी आम्ही आज आवाहन करतो आहे की लोकांनी पुढे यावा, आणि लोकांनी जर हातभार लावला तर हे काम खरं करणे सोपं जाईल आणि मुंबई स्वच्छ ठेवण्यामध्ये आणि ODF करण्यामध्ये आपल्या सर्वांचा मदत होणार। या कामामध्ये सलमानजी याच्यामध्ये पुढे आले, त्यांची जी NGO आहे बिईंग ह्युमन त्याच्यामार्फत त्यांनी पुढाकार घेतला, त्याबाबत पहिले मी त्यांचा आभार मानतो। त्यांनी याच्यामध्ये उत्स्फूर्तीने आणि स्वतःहून पुढे आले की मला याच्यामध्ये काय करायचं आहे, मी मुंबईमध्ये राहतो, या शहरामध्ये मी राहतो, या शहरात मी काम करतो आणि या शहरासाठी मला काहीतरी करायचं आहे असं सलमानजीला वाटला, आणि ते स्वतःहून पुढे आले, त्यांची NGO पुढे आली आणि त्यांनी फक्त त्याचं नाव तर पुढे दिलंच दिलं की ते म्हटले की मी आव्हान तर करणारच करणार, पण त्याचबरोबर मी त्यांचा आभार मानतो की त्यांनी प्रत्यक्षात मोबाईल टॉयलेट्स उपलब्ध करून दिले जे आपण आता ठिकठिकाणी उभं करतो आहे म्हणजे लोकांना तो वापरता येईल। मी त्यांचा आभार मानतो आणि त्याचबरोबर लोकांना आवाहन करतो आणि विनंती करतो की जसं सलमानजी पुढे आले तसं इतरसुद्धा मुंबईमध्ये जे राहणारे लोक आहे त्यांनी पुढे यावा, हा आव्हान स्वीकारावा, लोकांना आव्हान करावा की आपल्याला मुंबई स्वच्छ ठेवायची, आणि ते जर पुढे आले तर बरंच काही आपल्याला या शहरासाठी करता येईल। आपण सर्व इथे आलात आणि आपल्या मार्फत विशेषतः जे पत्रकार आलेले आहेत TV स्टीलचे आणि प्रिंट मीडियाचे त्यांच्यामार्फत सलमानजी आणि महानगरपालिकेचे आज आपण सर्व मुंबईकरांना आव्हान करतो की आपण सर्वांनी पुढे यावा आणि या कार्यामध्ये आणि या कामामध्ये आपल्याला हातभार लावावी। आदित्यजीसुद्धा आज इथे उपस्थित आहे, ते सुद्धा याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात लक्ष घालत आहे आणि इंटरेस्ट घेत आहे, त्याचा पण मी आभार मानतो। आता मी सलमानजीला विनंती करेल की त्यांनी 2 शब्द इथे आपल्याशी बोला। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो एक हम सब से आह्वान किया कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम हमें अब करना है और भारत को स्वच्छ करने में और भारत को साफ करने में जो सब ने इसमें मदद करना है और सब ने इसमें सहभागी होना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुंबई की महानगर पालिका बड़े तरीके से इस पर उतरी
और इस कार्यक्रम को जिसको कहते हैं कि एक चालना के तौर पर इसको दिया गया और इसे हम अब आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मुंबई को स्वच्छ रखने में मुंबई महानगर पालिका 3-4 जगहों पर विशेषता काम कर रही है, जैसे मुंबई के जो सागरी किनारे हैं, जो बीचेस हैं, उसे साफ रखने का काम, मुंबई के जो सार्वजनिक जगहें हैं उसे साफ रखने का काम, कचरा जहाँ जहाँ पड़ता है उसे उठाने का काम, घर घर से कचरा उठवाने का काम, और साथ ही मुंबई में जैसे आप देखते हैं कि एक नालों का जाल है जिस नालों में से पानी जाता है और बारिश का पानी बहता है उसे साफ रखने का काम मुंबई महानगर पालिका कर रही है, जिससे मुंबई में फ्लडिंग भी ना हो। इसके साथ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो हमने हाथ में लिया है कि मुंबई में जो आज खुले में शौच करते हैं, ये खुले में शौच जो करते हैं उसे बंद करना चाहिए, और इस कार्यक्रम को करने के लिए मुंबई महानगर पालिका ने अब आगे आई है। मैं आपसे क्या गर्व से कहना चाहूँगा कि मिलियन प्लस सिटीज़ में पहली बार एक इतना बड़ा शहर इस आह्वान को, इस चैलेंज को स्वीकार कर आगे जा रहा है, और मुंबई में जो कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है मुझे इसके ऊपर बहुत ही ये खातरी है कि आगे जाके इसमें हमें यश मिलेगा। इस कार्यक्रम में हम जगह जगह पर टॉयलेट्स लगा रहे हैं और लोगों से हम ये विनंती कर रहे हैं कि ओपन में ना बैठते हुए आप इन टॉयलेट्स का इस्तेमाल करें। ये काम करने में 30,000 कर्मचारी मुंबई महानगर पालिका के और 1,000 ट्रक रोज़ का, मुंबई में वैसे 1,25,000 कर्मचारी हैं मुंबई कॉरपोरेशन में, पर 1,25,000 में से 30,000 कर्मचारी सिर्फ सफाई का काम करते हैं, ये तो आज तक काम कर ही रहे थे, पर इसके साथ साथ आज हम ये चाहते हैं कि इसमें नागरिक भी सहभागी हो, और उसकी शुरुआत हम सलमान जी से कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर खासकर सलमान जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो आगे आए, खुद आगे आए। उन्होंने कहा कि भाई जिस शहर में मैं रहता हूँ, जिस शहर में मैं काम करता हूँ, उस शहर के लिए मुझे कुछ करना है, और उन्होंने एक जिसको मैं कहता हूँ एक बहुत ही नोबल कार्यक्रम हाथ में लिया कि जिसको कहते हैं ODF फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री किया जाए। इसके तहत उनकी जो NGO है बीइंग ह्यूमन, उसके तहत हमें ओपन मोबाइल टॉयलेट्स दिए गए हैं और उस टॉयलेट्स को हम जगह जगह लगवा रहे हैं, और लोगों से विनंती कर रहे हैं कि ये टॉयलेट्स आप वापर करें। आज मैं प्रेस, विशेषतः TV, प्रिंट और स्टिल कैम मीडिया की तरफ से नागरिकों के ये आह्वान करना चाहूँगा कि जैसे सलमान जी आज आगे आए हैं, वैसे सब कोई आगे आए, हर एक नागरिक आगे आए और इस काम को अपने हाथ में ले और इस शहर को, जो हमारा अपना शहर है, उसको साफ करने में मुंबई महानगर पालिका की मदद करें। नमस्कार। मैं बैंडस्टैंड पर रहता हूँ, तो हमारे घर के सामने समुंदर है, तो बचपन से देखते थे हम लोग वहाँ पर के जो के वहाँ के जो रहने वाले हैं, यू नो, चिंबई के, दे यूज टू गो इन द ओपन ऑन द सी। सो वो मुझे बहुत यू नो खटकता था, द वुमेन, द चिल्ड्रन, ओल्ड लेडीज, यंग लेडीज गोइंग इन द ओपन, विच आई जस्ट कुडंट यू नो हैंडल दैट। फिर जब यू नो हाईवे से आते थे तो वहाँ पे नाले के ऊपर ही कुर्सी, लॉट ऑफ पीपल सिटिंग डाउन देयर, इट्स अ बैड विजुअल, यू नो, छाता खोल के, यू नो, इट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग विजुअल, एंड आई शुड कीप ऑन वंडरिंग के ये कब बंद होगा। एंड ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा से प्ले करती आ रही थी कि इट इज़ द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग फॉर अ मदर, फॉर अ वाइफ, फॉर अ सिस्टर इन लॉ, फॉर यू नो डॉटर टू गो आउट इन द ओपन, क्योंकि उनके पास यू नो टॉयलेट्स नहीं है उनके घर में। सो दिस वॉज माई थाट। और फिर देन सर केम अप विद दिस आइडिया एंड आई वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। आई थिंक फॉर अ लेडी, फॉर अ वुमन, इट इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग टू गो आउट इन द ओपन, एंड फॉर देयर हस्बैंड्स, फॉर देयर फादर्स, इज इवन मोर एम्बैरेसिंग दैट दे कैन नॉट प्रोवाइड द वुमेन ऑफ द हाउस अ टॉयलेट।
मजबूरी है। अब बीएमसी इज गिविंग अ लॉट ऑफ मोबाइल टॉयलेट्स एंड आई वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ दिस। आई रिक्वेस्ट सर दैट कैन आई बी अ पार्ट ऑफ दिस। एंड ये नहीं कि सिर्फ नाम आए, इन्हें होता है कि नाम दे दिया और फिर एक फोटो सेशन हो गया और निकल लिए वहाँ से। यूजली दिस हैपन्स अ लॉट, जैसे कि ये स्वच्छ भारत में भी यू नो वो बिकेम अ वेरी बिग हाइप इन द बिगिनिंग, उसके बाद सब अपने अपने यू नो रस्ते लग गए। वी स्टिल डू इट ऑन ट्विटर, यू नो विच एवर प्लेस दैट आई एम शूटिंग एट, वो हम लोग उसको साफ कर देते हैं। वी मेक श्योर दैट देयर इज नो कचरा, देयर इज नो प्लास्टिक, देयर इज नो एनीथिंग देयर। अलवीरा टेक्स केयर ऑफ ऑल द गार्बेज एट कार्टर रोड, माई फादर डज इट एट बैंड स्टैंड। सो वी स्टिल ऑन दैट प्रोग्राम, वाई? बिकॉज इट्स आवर कंट्री, वी शुड रिस्पेक्ट दैट एंड वी शुड नॉट थिंक दैट दिस इज समबडी एल्सेस कंट्री। आवर कंट्री इज आवर होम एंड महाराष्ट्र फॉर मी इज नॉट ओनली माई कर्म भूमि बट इट्स ऑल्सो माई मातृभूमि। So where I live, as much as I can see, whatever I can do, I need to do that. My bedroom is my bedroom, but as soon as I come out of my bedroom, becomes my living room, and that is the whole country. So we call, you know, the sweepers, you know, all jitna bhi gutter ke andar log kaam karte hain, you know, toilets wagar, we call them kachra wala. Kachra wale wo nahi hai, kachra wale hum log hai. ये जो हम लोग जो कचरा फेंकते हैं वो साफ करते हैं हमारा कचरा। एंड द अमाउंट ऑफ पीपल आर वर्किंग इन बीएमसी इज फिनोमिनल एंड दे एक छुट्टी नहीं मिलती उनको, दिन भर काम करते हैं, रात भर काम करते हैं, और हम भी उनका काम बढ़ाते हैं। हम कचरा फेंकते जाते हैं, बाहर जाओ, हिंदुस्तान के बाहर जाओ, दुबई चले जाओ, लंदन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, सेम लोग छुट्टी पे जाओगे, काम पे जाओगे, वहाँ पे ये करोगे, करके दिखा दो भाई, दो जूते पड़ नहीं वहाँ पर ऐसा करोगे तो, सो वी आर स्केयर्ड टू डू दैट देयर, वी डोंट डू दैट देयर, वी पैनिक। बट हियर फेंको, फेंकते जाओ। सो वी नीड टू control that about ourselves, कि जो आदमी काम कर रहा है हमारे लिए सुबह से लेकर रात तक के, छुट्टी नहीं ले रहा है, उसके लिए ना न्यू ईयर है, ना क्रिसमस है, ना ईद है, ना दिवाली है, वो दिन भर रात भर काम किए जा रहा है। सर अबाउट 22,000 पीपल, 30,000, 30,000 लोग महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर काम कर रहे हैं, टू सी दैट मुंबई इज क्लीन। और हम लोग क्या करते हैं, वी लाइक टू सी मुंबई डर्टी। सो नाउ दिस खुले में जाना, इट्स नॉट कूल एट ऑल। अब लोगों की मजबूरी है, अब वो मजबूरी इतने टाइम से आ रही है कि वो माइंडसेट हो गया है, बट वो माइंडसेट को चेंज करना है। यू नीड टू यूज द टॉयलेट्स which the BMC is giving. I am putting in some money and it's hard-earned money. So please appreciate that. This is what we want for the women, महिलाओं के लिए, औरतों के लिए, कि ये उनको privacy मिले। तो ये please जब ये toilets लग जाएँ and please इन toilets का इस्तेमाल कीजिए और सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। इट इज अप टू यू व्हेन यू लीव दैट टॉयलेट, इट हैज टू बी क्लीन फॉर दिस प्रोजेक्ट टू सर्वाइव। हम तो डाल देंगे लेकिन मेंटेन आपको करना है। थिंक ऑफ दिस एज योर ओन टॉयलेट एंड थिंक ऑफ द नेक्स्ट पर्सन यूजिंग दैट बाथरूम। Anyone wants to ask any questions? I'm better at that.
Yes, 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 100%. As many toilets as Mumbai needs, I think we should, you know, we should provide that. So mobile toilets also, because of, you know, a lot of restrictions, you can have normal toilets as well, but then CRZ is there and, you know, a lot of other land construction. So these are not like mobile toilets, like mobile toilets. They're like full, yeah, in containers, which are there, which and are like five-star toilets. They're really good. I will use them. I'll be the first one to use them. So. Some ke charges honge, bahut hi nominal, bahut hi in a minimum honge. That's also to maintain, aur baki ke free honge. So jahan jahan, I think 78 spots decide kiye gaye the, jahan pe toilets ki sakht zarurat hai, jisme se ab bache hain 21 bache hain. Ji. वो वहाँ ना वहाँ पर ठीक हो गया, वहाँ पर अब कोई नहीं जाता. दे ऑल गॉट देयर ओन टॉयलेट, सो ओपन डेफिकेशन वहाँ पर बंद हो गया है. सो दैट्स बिजनेस जी. अब वो बंद हो गया है. दैट्स यू नो काफ़ी टाइम से बंद हो गया सब. आई थिंक अबाउट 15-20 इयर्स अगो, या दे यूज्ड टू हैपन. ये मैं अपने बचपन की मेमोरी बता रहा था. अब नहीं है वहाँ पर. वहाँ पर सब अच्छा कर रहे हैं, सब ने अपने अपने टॉयलेट बना लिए. लेकिन बाकी के मुंबई के अंदर वो अभी भी है, जो कि दिखता है, जैसे कि फिल्म सिटी के बाहर आरे में. सो आई थिंक दैट्स आल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द लोकेशंस. ये आप करोगे साफ नहीं, अगर यूज़ करोगे तो करोगे साथ. सलमान जी से हमने जो विनंती की है वो ओपन डेफिकेशन जो है उसको बंद करने के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हमने. मैं तो कहूँगा कि खुद ही आए सामने. हमने क्या बनाया, तो खुद ही सामने आया. हमने कहा कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है. और इनफैक्ट अगर आप मेरे से पूछे स्वच्छता में अगर सबसे बड़ी लड़ाई हमारी अगर है तो ये ओपन डेफिकेशन जी. इसके दोनों भाग, एक कि अगर टॉयलेट नहीं है तो जैसे सलमान जी ने कहा वो उसकी मजबूरी है, वो कोई शौक से नहीं बाहर जाता. तो सबसे पहला काम है उसको टॉयलेट देना. और टॉयलेट देने के बाद जो इतने सालों की आदत पड़ी हुई है उसको तोड़ना, कहीं जो है वो उसको कन्विंस करना, उसको बताना कि भाई अब टॉयलेट आ गया. और मैं खुद देख के आया, जो कोलाबा में हमने टॉयलेट बैठाया है वो बीइंग ह्यूमन की तरफ से हमें मिला. कोलाबा मच्छीमार कॉलोनी में जो बैठाया, एक बहुत ही सुंदर उम्दा अच्छा टॉयलेट बैठाया गया. मुझे तो लगता है कि वो देख के ही जब मैं वहाँ गया तो वहाँ के लोग मेरे पास आए, जैसा भी इतना अच्छा टॉयलेट बैठा है कि अब आपको बताने की जरूरत नहीं, हम खुद ही इसको यूज़ करें. और जैसा आप कह रहे थे स्वच्छता, उसकी सफाई, एक तो हम ये कहेंगे नागरिकों से कि भाई नागरिक जब तक उसकी स्वच्छता अपने ऊपर जवाबदेही ना ले, वो महानगर पालिका तो करेगी करेगी, पर जब नागरिक को लगने लगता है कि ये टॉयलेट मेरा है, मेरी कॉलोनी का है, मेरी फैमिली का है, तो वो ज़्यादा साफ रहता है. वही आज हम आपसे विनती कर रहे हैं. इस चीज़ का ब्रांड सबसे मुश्किल काम जो इसका है उसके ब्रांड एम्बेसडर आज सलमान जी हमारे लिए बने, इसके लिए मैं उनका आभार. इनफैक्ट आपके यहाँ आपके सामने आने के पहले 10-15 मिनट सलमान जी से मैं जब चर्चा कर रहा था तो उन्होंने भी ये मुद्दा उपस्थित किया. इनफैक्ट उनसे मैं और इस बात पे उनका शुक्रिया अदा करूँगी. उन्होंने बहुत अच्छे कुछ आइडियाज़ भी दिए और ये आइडिया भी उन्होंने मेरे सामने रखा कि भाई पानी की क्या व्यवस्था है. अगर पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो कितने भी हम टॉयलेट बिठा लें उसमें सफाई नहीं रहेगी. तो दो चीज़ों की व्यवस्था अब हम मुंबई की टॉयलेट्स में हर जगह कर रहे हैं. एक पानी और रनिंग वाटर होना चाहिए. अगर रनिंग वाटर पाइपलाइन से ना हो तो टैंक हो जो टैंकर भर के जाए. और दूसरा सबसे ज़्यादा महत्व जो अभी आपने से ही किसी ने उठाया, लेडीज़ के लिए रात को वहाँ पर लाइट की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है. द सेफ्टी ऑफ लेडी व्हेन गोइंग टू अ टॉयलेट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. तो लाइट, बिजली और पानी, यह हर टॉयलेट में यह व्यवस्था होनी चाहिए. इसकी तरफ भी अब महानगर पालिका कदम उठा रही है. Also, of course, fact that, do you believe it's important to making people aware for some time till theory gets going into that? Yeah, it you need to. वही है ना कि वो आदत
जो बरसों से पड़ी है उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है. बट इफ़ यू सी द टॉयलेट्स, आई थिंक वो आदत बहुत जल्दी टूट जाएगी. ओनली इफ़ दे कीप इट क्लीन. के यू कैन गो टू अ फाइव स्टार होटल, लेकिन अगर फाइव स्टार होटल के अंदर फिर आपने उसको मेंटेन नहीं किया तो फिर उसमें भी यू नो दैट स्मेल एंड नो वन वांट टू गो इनसाइड, वो हाइजीन फैक्टर. सो आई हैव सीन द टॉयलेट्स एंड दे आर लाइक एनी लाइक द बेस्ट टॉयलेट्स इन द वर्ल्ड. जी सर, ये वैसी आप हर चीज़ पहुंचाते रहते हो. हाँ, कभी ये भी पहुंचा दिया करो. हाँ, ये अच्छी चीज़ें पहुंचाना पब्लिक तक के. सो है ना, ये नहीं पहुंचाओगे, नहीं पहुंचाओगे ना ये. हाँ, पहुंचाओगे जी ये. यस यस, हाँ वो भी बना रहे, वो बना रहे जी. कैंपेन करेंगे, बनाएंगे इसको. इसमें BMC और बी ह्यूमन का नाम जुड़ा है तो बहुत सोच समझ के चलेंगे और बहुत करेक्ट तरीके से चलेंगे इसके अंदर. और जितना इसको लाज कर सकते हैं औरतों की लाज रखते हुए करेंगे. Yes, right now it's 5. Huh? Right now it's 5. BMC ke paas bahut paisa hai. BMC ko being human ke paise ki zarurat hai nahi. They've got a lot of money. But from our side we've said 5. So you know, hamare you know side se bhi sirf ye ek naam aa raha hai wo. Yeah, just for that. So first $5, they offered to pay for that as well. He says that we don't need the money, we just need the awareness. But I said ke phir wo you know wo thoda sa farzi giri dikhta hai, so I didn't want that to happen. So alag alag areas mein rahenge, alag alag main issue ye tha ki ek bar jaise aapne pucha ki ke aane ke baad farak padega kya, जैसे मैंने कहा स्वच्छता रखना या ओपन डेफिकेशन बंद करना, बाहर में जो शौच के लिए बैठते हैं लोग उसे बंद करने के दो भाग हैं. एक तो टॉयलेट्स देना, टॉयलेट्स तो महानगर पालिका देगी, और सलमान जी से और ऐसे लोगों से और मदद मिले तो वो तो बिल्कुल सोने पे सुहागा है हमारे लिए, और भी अच्छा है. इनफैक्ट जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है. बस सबसे ज़्यादा बड़ी जो हमारे सामने में चैलेंज है लोगों की मानसिकता बनाना. ये मेरे को लगता है कि जब सलमान जैसे लोग सामने आके कहते हैं कि भाई ये गलत है, और जैसे उन्होंने बहुत अच्छा कहा इट इज़ नॉट कूल एनीमोर, ये गलत है, इसको कहीं ना कहीं बदलना है हमने, इस मानसिकता को फर्क पड़ेगा, ये जरूर पड़ेगा. और ये मुहिम को हम अब आगे ले जा रहे हैं, और ये पहला मिलियन प्लस सिटी, 1.25 करोड़ नागरिक हैं आज मुंबई में. एक मिलियन प्लस सिटी जब ये इतना बड़ा आह्वान स्वीकारती है तो एक देश के लिए भी एक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम. एकच मी आज आपल्याला म्हणेन, हा काय टॉयलेट विरोध फेरीवाला किंवा टॉयलेट विरोध हे हा मोहीम नाही. आपला मोहीम आहे की टॉयलेट बांधणे. विशेषतः या मोहीमचा पहिला भाग आहे की आज जे उघड्यावर शौचला बसतात पहिला तो एरिया आयडेंटिफाय करतो. तो एरिया आपण मुंबईमध्ये आयडेंटिफाय केला आहे, तो आपण आता केंद्रित केलेला आहे त्याच्यावर आपला ध्यान की हे एरियाज आहे या क्षेत्रात लोक बाहेर बसतात. बसण्याचं कारण काय की इथे टॉयलेट्स नाही. टॉयलेट्स नाही मग काय करावं, जिथे आपण बांधकाम करू शकतो बांधकाम करणार, पण कम CRZ एरिया बांधकाम करता येत नाही, दाट लोक वस्ती आहे बांधकाम करता येत नाही, सीवर लाईन टाकता येत नाही, असे एरियासाठी आपण मोबाईल टॉयलेट्स पाण्याची व्यवस्था करतो, वीजचे कनेक्शन देतो, आणि लोकांना आता विनंती आणि आवाहन करणार की हे टॉयलेट्स कृपा करून वापरा. वो रेलवे ट्रैक्स वो पुराने जमाने का टॉयलेट रहा.
अब नहीं है, अब उसको रेलवे ट्रैक्स ही समझो जी जी। एक एक आपके एरिया में ही भिजवाएंगे हम, लगता है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या हाँ, बिग बॉस की आवाज़ आ गई। थैंक यू, थैंक यू। Side play.